व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकीयं तन्मे राध्यताम् इदमहमन्रितात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। जीवन दर्शन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। यहाँ चर्चा चल रही तीन प्रकार के तपों की, शरीर का तप, वाणी का तप और मन का तप, क्योंकि बिना तपस्या के यहाँ कुछ भी उपलब्ध नहीं होता है। तो चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, आज तक जिसने जो भी कुछ प्राप्त किया वो तपस्या के बल पे ही प्राप्त किया। और हमारे यहाँ तप की बड़ी एक प्रचलन सा था, जिसको आज की भाषा में बोलें तो फैशन जैसे था। तो जो दैवी प्रकृति के, दैवी संपदा से युक्त जो लोग थे वो भी तप करते थे। देवों ने भी तप किया, असुरों ने भी तप किया, बच्चों ने भी तप किया, युवाओं ने भी तप किया, महिलाओं ने भी तप किया। तो ऐसे अनेक उदाहरण हमारे यहाँ मिलते हैं। जैसे ध्रुव भक्त हैं, प्रहलाद भक्त हैं, इन्होंने बचपन में तपस्या की, बच्चे भी तपस्या करते थे हमारे यहाँ। हमारे यहाँ असुर भी तपस्या करते थे, रावण, हिरण्यकश्यप आदि तो असुर हैं लेकिन तप वो भी करते थे, देवता तो तप करते ही करते थे। हमारे यहाँ महिलाओं ने भी तप किया। इसी हिमालय प्रदेश में जहाँ हम बैठे हैं, तो ये महाराजा हिमालय के अधीन था और उनकी पुत्री पार्वती ने उस समय जो तप किया, राजमहलों में पलने वाली राजकुमारी ने जो तपस्या की उस समय, तो वो मतलब आज तक उस वो जो कीर्तिमान उन्होंने बनाई उसको कोई आज तक उखाड़ नहीं पाया। तो हमारे यहाँ तो एक प्रचलन सा ही था। और तप का मतलब क्या होता है, ये हमारे शास्त्रों ने बता दिया। तीन प्रकार के तप बता दिए, शरीर से, वाणी से और मन से। तो हमने शरीर वाला कल पढ़ा, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शोचम आर्जवम, ये शरीर का तप है। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि जी इनको करने से शरीर में तो कोई कष्ट होता ही नहीं है, तो ये शरीर का तप कैसे हुआ? देव द्विज गुरु प्राज्ञ, इनका जब पूजन करते हैं, इनका कहना मानते हैं, इनके अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, शुचिता रखते हैं, ऋजुता रखते हैं, तो इससे शरीर का तप कैसे हुआ? ये मेरा प्रश्न है आपसे, इसमें शरीर का कैसे तप हुआ? माइक इसमें शरीर को तो कोई कष्ट मिल ही नहीं रहा है, तो इसमें शरीर का तप कैसे हुआ? प्राचीनों की, विद्वानों की सेवा करेंगे तो उस सेवा करने में हो सकता है कि हमें कहीं पर द्वंद्व सहन करना पड़े, समय के अनुकूल ना हो, या सेवा करने में शारीरिक कष्ट उस तरीके से अनुभव हो सकता है। अच्छा, और कोई उत्तर इसमें? व्यक्ति का जैसे स्वभाव होता है कि वो नीचे भी गिर सकता है, सरलता से नीचे भी आ सकता है, शुचिता से भी नीचे आ सकता है, तो ऊपर उठना तो अपने आप में तप ही है। अगर शरीर का कैसे हुआ इसमें, जैसे सरलता का नीचे सरल आना, तो ये मन का हुआ। अच्छा, इसमें शरीर का तप, क्योंकि इनको शारीरिक तप कहा, शुचिता ऋजुता ये तो मन के गुण है, शरीर का तप कैसे, शरीर को तो कोई कष्ट मिलेगा ही नहीं इनसे, तो शरीर का तप कैसे कहा इसको? मतलब केवल पूजन को?
हाँ ये सारे ही, जैसे ब्रह्मचर्य है, अहिंसा है, तो इनमें शरीर को तो कोई कष्ट हुआ ही नहीं। तो किसी भी चीज में ऊपर उठने के लिए तो कष्ट थोड़ा तो सहन करना ही होता है ना। हाँ जी, शरीर में तो कोई कष्ट नहीं होता है, ये सब करने से, देव द्विज गुरु राज्य इनका पूजन करने में कोई किसी का, और इसके अतिरिक्त कोई उत्तर हो? इन्होंने एक बताया कि हम सेवा करेंगे तो हो सकता है उनकी सेवा करते समय उनका कुछ अलग टाइमिंग हो, हमारा अलग हो, जब उनका जागने का टाइम होता है तब हमारा सोने का टाइम होता है, लेकिन जगना पड़ेगा क्योंकि गुरु जी के सोए बगैर चेला यदि सो जाए तो ये गलत बात मानी जाती है। गुरु को सुला के तब सोना है और गुरु के उठने से पहले उठना है। तो हो सकता है गुरु जी 3 बजे उठ जाएं तो हमें तो 2 बजे उठना पड़ेगा, तो तब करना पड़ेगा। फिर एक हेतु दिया इन्होंने, और इसके अतिरिक्त कोई हेतु है तो ये शरीर को सताना जैसे ही हो गया, तप करने जैसे ही हो गया, उनका पूजन करना। और कुछ समझ में आ रहा है शरीर का तप कैसे हुआ ये? इसमें ब्रह्मचर्य का भी बताया है, फिर अहिंसा का भी बताया। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ मतलब कोई कीड़े वगैरह काट भी लेते हैं तो उसको मारते नहीं है कि हिंसा के लिए, तो वो भी तो काटते हैं तो कष्ट होता है। अच्छा, इनका कहना है कि अहिंसा का पालन करेंगे तो शरीर में तो कष्ट सहना पड़ता है, कोई कीड़ा काट ले तो। यहाँ मतलब तपस्या का मतलब ये कहा है कि कीड़ा काटे तो कटवाना, उससे उसको हटाना मत, ऐसे तो नहीं काट ले तो फिर वो तो चला जाता है, तो उसको तो मार भी सकते हैं, लेकिन तो ऐसा भी हो सकता है कि जिसे वो मतलब आप सोचेंगे मैं तो तप कर रहा हूँ, मैं इसको मारूंगा नहीं जी, मच्छर ने काट लिया तो इसको मारूंगा नहीं, नहीं तो हिंसा हो जाएगी। तो इस रूप में हम शरीर को कष्ट देते हैं, मतलब शरीर को सहन करते हैं अहिंसा का पालन करने में। तो ये अहिंसा जो आप बता रही है तो कभी कभार होती है, और उसमें तो आप अहिंसा क्या करते हो, आपका वश ही नहीं चलता। तो मधुमक्खी ने काटा और उड़ गई, आप कहाँ मारोगे उसके पीछे, जाओ आप बंदूक लेके। ततैया ने काटा और चला गया, बिच्छू ने काटा और घुस गया उसमें बिल में, सांप ने काटा और भाग गया, तो आप उसको मार भी नहीं सकते। कभी तो ऐसे भी होता है ना, कभी तो ऐसे होता है कि मार सकते थे नहीं मारा, पर कभी तो ऐसे होता है मार ही नहीं सकते थे। तो यहाँ एक्चुअली इसका उत्तर ये है कि शारीरिक तप, शरीर को सताने को तप कहा ही नहीं गीता ने। इसी के तो 6ठे श्लोक में तो आया था, जो शरीर को तपाते हैं उनको असुर कहा। यहाँ पे जो शरीर को तंग करते हैं, ये देखो, कर्षयंत शरीरस्थम भ्रोतग्रामम अचेतसः माम च अंतःशरीरस्थम तान विद्धि असुर निश्चयान, निश्चित रूप से उनको असुर जानो। वो मेरे को भी कष्ट देते हैं, भूतग्राम को भी, इंद्रियों को भी कष्ट देते हैं, और खुद अपने शरीर में स्थित आत्मा को भी कष्ट देते हैं, आत्मा को भी, परमात्मा को भी, शरीर को भी, तीनों को कष्ट देते हैं। तो इस इनको आप असुर जानो, इनको तपस्वी मत जानना। बड़ा कठोर शब्द प्रयोग कर दिया यहाँ गीताकार ने, कि जो जबरदस्ती शरीर इंद्रियों को सताता है वो तो परमात्मा उससे खुश नहीं होता है। परमात्मा खुश कब होते हैं? जब शरीर इंद्रियों को परमात्मा के काम में लगाया जाता है उससे खुश होते हैं। परमात्मा का काम क्या है? यही है जो इसमें बताया, देवजनों का पूजन करना, गुरुजनों का पूजन करना, द्विजों का पूजन करना, प्राज्यों का पूजन करना, अहिंसा का पालन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, शुचिता का पालन करना, ऋजुता का पालन करना। तो इन सब को करते हुए शरीर हमारा बड़ा प्रमादी है, प्रमाथिनी इंद्रियाणी हरंती प्रसभम मने, इंद्रियां कभी कभी मना करती हैं नहीं करेंगे, शरीर कभी कभी मना करता है कि आज नहीं हो पाएगा, फिर भी उससे करवाना, उनको लगाना, तो ये तप है। सताने को तप नहीं कहा गया है, बल्कि उनको सही दिशा में लगाना, उनका सदुपयोग करना।
हम सदुपयोग नहीं कर पाते हैं अपनी इंद्रियों का। तो जब हम ब्रह्मचर्य, अहिंसा और शौच आदि, ऋजुता आदि इन व्रतों में जब प्रतिष्ठित होते हैं, तब ही हम अपनी इंद्रियों का सही सही सदुपयोग कर पाते हैं। इंद्रियों का तो काम है, मतलब पानी का तो काम है बहना, या तो इधर बहेगा संसार की तरफ, संसार की तरफ से रोकेंगे तो भगवान की तरफ बहेगा। मन का काम है, उसमें आया है ना व्यास भाष्य में, चित्त नाम नदी उभय तो वाहिनी, वहति पुण्याय वहति च पापाय। ये चित्त नाम की नदी ऐसी, बाकी की सारी नदियां अलकनंदा किधर से किधर बह रही है, कौन सी दिशा से कौन सी दिशा में बह रही अलकनंदा, उत्तर से दक्षिण की तरफ जा रही है। जितनी भी नदियां हैं वो सब एक ही दिशा में बह रही हैं, दक्षिण से उत्तर तो नहीं आ रही ना अलकनंदा, उल्टा नहीं जा रही है। लेकिन ये चित्त नाम की जो नदी है ये दोनों तरफ बहती है, इधर भी बहती है इधर भी बहती है, पुण्य की तरफ भी बहती है पाप की तरफ भी बहती है। तो एक तरफ से इसको रोकना पड़ता है, फिर जिस साइड में बहेगी अगर हमें इसको पुण्य की तरफ इसका रुख करना है, तो उधर से पाप की तरफ से इसमें फिर वो लगाना पड़ेगा, बांध बांधना पड़ेगा, डैम लगाना पड़ेगा, नहीं तो ये दोनों साइड में जाती है। तो यहाँ पर जो ब्रह्मचर्य, अहिंसा आदि हैं, इन व्रतों में प्रतिष्ठित होने के लिए चित्त को एक ही दिशा में चलाना पड़ता है। तो ये अपने आप में तप है। शुचिता रखने के लिए अशुचिता से सर्वथा तौबा करना पड़ता है, किसी भी स्तर के ऊपर अशुचिता नहीं चाहिए, व्यवहार के स्तर पर भी अशुचिता नहीं चाहिए, वाणी के स्तर पर भी अशुचिता नहीं होनी चाहिए, शरीर के स्तर पर भी नहीं होनी चाहिए, व्यवहार के स्तर पर भी, भाव के स्तर पर भी। इसीलिए इसको क्षुरस्य धारा कहा, माने बाहर से इंद्रियों को रोकना ये भी कठिन होता है। जब कोई ऐसा प्रसंग आ जाता है तो व्यक्ति बोलता है कि जी मैं बिल्कुल नहीं बोलना चाहता था, लेकिन प्रसंग ऐसा आ गया कि बोले बगैर रहा नहीं गया, तो वाणी को वहाँ रोकना बड़ा कठिन होता है। कभी व्यक्ति कहता है जी मैं बिल्कुल, मेरी इच्छा नहीं थी, मैं तो ऐसा सोच के भी नहीं गया, लेकिन वहाँ प्रसंग ऐसा बना कि मतलब मैं हाथ उठाना नहीं चाहता था लेकिन मेरा हाथ उठ गया, तो उस समय हाथ को रोकना बड़ा कठिन होता है। ऐसी सिचुएशन होती है कि कोई ऐसा मतलब कोई नालायक व्यक्ति सामने है, फिर बोल जी हम हिंसा नहीं करना चाहते थे, पर वो तो स्थिति ऐसी थी तो हमने उसको खूब पीटा क्योंकि वो पीटने के ही लायक था, हम नहीं चाहते थे, हमारी कोई इच्छा थोड़ी थी, हमने कोई सुबह मन थोड़ी बनाया था कि आज इसकी पिटाई करनी है, सिचुएशन ऐसी थी तो हमने उसको पीटा नहीं, हाथ उठाना चाह रहे थे उठाया, तो उस समय हाथ को रोकना बहुत कठिन होता है। उस समय ये याद नहीं रहता है कि मैं तो अहिंसा आदि व्रतों का पालन करने वाला हूँ और अगर मैंने हाथ उठाया तो ये तो हिंसा हो जाएगी। उस समय तो हमारा मन कहता है कि ये तो दुष्ट आदमी है, इसको तो मारना ही पुण्य है, इसको मारो, हिंसा करता है, हिंसा तो हिंसा ही है, लेकिन उस समय अपने आप को रोकना, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, शुचिता, ऋजुता, तो इनमें शरीर को भी संयमित करना पड़ता है, मन को भी संयमित करना पड़ता है, इंद्रियों को भी संयम में रखना पड़ता है। अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत स्वाध्यायाभ्यसनम चैव, ये वाणी के तप हैं, वांग्मयम तप उच्यते। व्यक्ति ध्यान रखे कि कुछ ऐसे वाक्य न बोले जाएं वाणी से जो दूसरे को उद्विग्न करते हैं, दूसरे को कष्ट देते हैं, और कोशिश करें कि सत्य भी बोलें लेकिन सत्य को थोड़ा सा प्रिय बना करके बोलें। तो प्रिय बना के बोलते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि काम भी करवा लेते हैं और अगले व्यक्ति को नाराज भी नहीं होने देते हैं, तो वो वाणी की कुशलता मानी जाती है। और कुछ ऐसे होते हैं काम भी नहीं करवा पाते हैं और काम बिगाड़ ओढ़ देते हैं ऐसा बोल के, तो वो वाणी का तप नहीं है, फिर वो वाणी का दोष माना जाएगा। सत्यम प्रियम हितम चयत, मेरे लिए भी हितकारी हो, उस करने वाले के लिए भी हितकारी हो, जगत के लिए भी हितकारी हो, तो ये वाणी का तप। वाणी बहुत बड़ी एक शक्ति है हमारे पास,
और मनुष्य के पास ही ये वाणी की शक्ति है, अन्य किसी भी प्राणी के पास वाणी की शक्ति नहीं है। और वाणी का सदुपयोग करके एक व्यक्ति लाखों नहीं करोड़ों लोगों को एकदम से ऐसे खड़ा कर देता है। तो वो बलिदान के लिए, सर कटाने के लिए एकदम से तैयार हो जाते हैं। ये वाणी का ही तो चमत्कार है। और एक वाणी का ही ऐसा दोष है कि एक बार कर दिया तो भरी सभा के बीच में सबके सर झुक जाते हैं, अरे ये इनका शिष्य था, इन्होंने ऐसे बोल दिया वहाँ पर, ये इनका बेटा था, इनकी बेटी थी, उन्होंने ऐसे शब्द बोल दिए। एक शब्द ऐसा बोल दिया घर में किसी व्यक्ति ने कि पूरा घर ही बिखर गया। और एक शब्द किसी व्यक्ति ने ऐसा बोल दिया कि सब घर में लड़ाई झगड़ा दंगा हो रखा था, लेकिन एक व्यक्ति ने ऐसा शब्द बोल दिया कि सब के सब आकर के जुड़ गई। ये वाणी का ही तो चमत्कार है। एक व्यक्ति ऐसे शब्द बोल देता है कि देखो कुछ भी हो जाए पर हम आपसे, उस दिन मैंने सुनाई थी ना कहानी सास बहू की, उसने एक शब्द ही तो बोला कि मेरी माँ है, ये नहीं सिखाएंगी तो कौन सिखाएंगी, तो एकदम से सारा घर। और एक शब्द व्यक्ति ऐसा बोल देता है कि जो बिल्कुल मिले हुए थे मन, बिल्कुल अच्छे से रह रही थी, और सब में जो है आग लगाने का काम करता है। तो मंथरा ने एक शब्द ही तो बोला था, सारा का सारा घर तबाह हो गया, कुल खानदान तबाह हो गया, इतिहास बदल जाते हैं वाणी के ऊपर। एक शब्द ऐसा होता है जो इतिहास का रुख मोड़ देता है। तो ये वाणी का तप, मतलब ठीक है बच्चा वैसे तो लगभग एक वर्ष में या 7-8 महीने में बोलना सीख जाता है, बोलना शुरू करता है 7-8 महीने में, 1-2 वर्ष होते होते सब उच्चारण अच्छे से करने लग जाता है, या ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 वर्ष लगा लें, 4 लगा लें 5 वर्ष लगा लें, 5 वर्ष का होते होते बच्चा सब उच्चारण करने लग जाता है, सीख जाता है बोलना। लेकिन वास्तव में वाणी का सदुपयोग कभी कभी 80-90 वर्ष की उम्र में भी नहीं आता है करना, कि इस वाणी का सदुपयोग कैसे किया जाए। और उसमें फिर वो जो संस्कार बन जाते हैं उनको हटाना फिर बहुत ही टेढ़ी खीर हो जाती है, कई बार जानते हुए भी व्यक्ति उसको ठीक नहीं कर पाता है फिर, एक बार संस्कार बन गई तो ये जो तप हैं ये बुढ़ापे में सिखाने की चीज़ें नहीं हैं, ये बचपन में सिखाने की चीज़ें हैं। छोटे बच्चों को सिखाना चाहिए कि हमें शरीर से तपस्वी होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हम गुरुकुल में व्याकरण विद्या, दर्शन विद्या, संस्कृत विद्या आदि सिखाते हैं, तो वहाँ पर ये इस प्रकार की तप करने की विद्या भी हमें सिखानी चाहिए। तो हम तप के नाम पे हमें से सोच लेते हैं जी गुरुकुल में तो जो बच्चे 4 बजे उठ जाते हैं ये अपने आप में बहुत बड़ा तप है, लेकिन 4 बजे उठ के उनकी मनस्थिति क्या है ये देखना पड़ेगा। 4 बजे उठ तो गए लेकिन उठ करके वो नींद नींद में मंत्र बोल रहे हैं, नींद नींद में नहा लेते हैं, नींद नींद में यज्ञ कर लेते हैं, ध्यान कर लेते हैं, तो उसका फिर परिणाम नहीं आता, रिजल्ट नहीं आता है फिर उसका। ऐसे घरों में भी हम बहुत सारे अनुष्ठान कर लेते हैं कि जी हम तो, हमने अब तपस्या का नियम ले लिया है और अब हम सुबह 4 बजे ही उठ जाते हैं, और फिर वो सुबह 4 बजे उठ करके भी ध्यान भी करते हैं तो सोए रहते हैं, पूरा 1 घंटा ध्यान में सोए रहते हैं, और क्योंकि नींद पूरी हुई नहीं तो फिर कुछ जाप आदि करते हैं, माला आदि का, तो वो भी फिर उसका अर्थ सहित नहीं करते हैं, भाव सहित नहीं करते हैं, तो फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए, या मंदिर में जाते हैं तो एक ड्यूटी जैसे होता है कि करके आ गई, दिन में सोते हैं, तो फिर उसका कई वर्षों तक करने के बावजूद भी परिणाम नहीं आता है। तो वास्तव में तप क्या है, ये हमें बचपन में ही ये संस्कार डाल देने चाहिए कि वाणी का तप है, शरीर का भी ये तप है और इसका ये परिणाम है। हमारे पास मिलती तो हैं हमें चीज़ें, लेकिन हमने उस साधन से ऐसा क्या प्राप्त किया। वाणी तो मिली लेकिन उस वाणी को प्राप्त करके हमने उन पशुओं से अतिरिक्त क्या अपने जीवन में पाया। अगर उनका जितना ही पाया तो अगर हमने केवल रोटी कपड़ा मकान संतान इतना ही प्राप्त किया तो ये तो पशुओं ने भी कर लिया, उनके पास तो वाणी भी नहीं थी,
इतना ही यदि प्राप्त किया तो फिर तो कोई खास इसका सदुपयोग नहीं हुआ वाणी का। जो जब मन में आया तो ऐसे भी बोलते हैं व्यक्ति, बोल जी हम तो स्पष्ट वक्ता हैं, जो आता है बोल देते हैं वैसे का वैसा, हम तो जैसा भाव है वैसा ही बोल देना, तो उसमें तो कुछ भी तप नहीं करना पड़ता है। वाणी का तप तो होता है कि तोल के बोलना, एक बात कहनी है तो उससे पहले व्यक्ति एक आधी सेकंड के लिए अपने आप को रोक पाए, एकाग्र कर पाए कि इस बात को कैसे कहूँ इससे, तब तो ठीक है, तब तो बात बन जाती है। और उसको थोड़े से वैसे तरीके से कह दिया, रफ तरीके से कह दिया, तो फिर वही बात जो है ना वो फिर काम बिगाड़ देती है। तो वास्तव में ये वाणी का तप करने की आदत बचपन में डालनी चाहिए, सत्य भी बोलें, प्रिय भी बोलें, हितकारी भी बोलें। और अगली बात कही, स्वाध्यायाभ्यसनम चैव, जो पढ़ा है उसका अभ्यास करें हम, अभ्यासों का ही परिणाम है हमारा जीवन। जीवन शब्द जो बना है तो वैसे तो वो जीव धातु से बनता है, जीव प्राण धारणे, जैसे ही व्यक्ति ने प्राणों को धारण किया, प्राणों को धारण करता है जब ये गर्भ से बाहर आता है, उससे पहले तो माँ के प्राण से ही प्राण लेता रहता है, अलग से उसके नासांद्र आदि बंद रहते हैं माँ के गर्भ में, बाहर आने पर वो झिल्ली को तोड़ के उसके नाक को खोला जाता है और उस जो माँ के साथ नाल जुड़ी थी उसको काट दिया जाता है। अब ये प्राण लेना शुरू करता है तो जीवन वहाँ से शुरू हो जाता है। और अब ये प्राण लेने के साथ साथ और भी फिर कई सारी चेष्टाएँ करता है, कई सारी क्रियाएँ करता है, तो सुबह से लेके शाम तक और बचपन से लेके मरण पर्यंत जितनी हमने चेष्टाएँ की हैं, खाना पीना सोना रोना हंसना जागना उठना बैठना चलना, जितने भी हैं, पढ़ना पढ़ाना लिखना लिखाना सोचना, ये सब के सब सारी की सारी क्रियाएं मिलकर के एक जीवन का रूप लेती हैं। एक दिन की जो क्रियाएं हैं वो हमारा एक दिन का जीवन है, एक घंटे की जो क्रियाएं हैं वो हमारा एक घंटे का जीवन है, और ऐसे ऐसे फिर 5-7 दिन मिला देते हैं वो हमारा साप्ताहिक जीवन है, ऐसे ऐसे 15 दिन मिला दें वो हमारा पाक्षिक जीवन है, ऐसी ऐसी क्रियाओं का 1 महीने का समूह जो है वो मासिक जीवन कहलाता है, ऐसे जीवन बन जाता है महीनों से वर्षों से सारा जीवन। तो इनका इन्होंने कहा अभ्यास, स्वाध्यायाभ्यसनम चैव, जो पढ़ा है उसका अभ्यास, अभ्यास के बिना विद्याएं हैं वो अभिशाप बन जाती हैं फिर। तो ये वाणी के तप हैं। अब ये बड़ा होकर के तो व्यक्ति को इतना पक जाता है कि उसको सोचने का भी, मतलब उसके मन में सोचने की भी चेष्टा नहीं करता है वो कि वाणी ठीक काम कर रही है कि नहीं कर रही है, बुद्धि मन ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हाथ पैर आँख नाक कान इनका सदुपयोग हो रहा है कि दुरुपयोग हो रहा है, तो ऐसा तो हम सोचते ही नहीं कभी। हमने एक अपनी रूटीन बना रखी है, हर व्यक्ति ने अपने लाइफ की एक स्टाइल बना रखी है कि मेरे को सुबह से शाम तक ये काम करनी है, और उस स्टाइल को वो आंख मूंदे कर लेता है। किसी की ऑफिस जाने की लाइफ स्टाइल है, किसी की खेत में जाने की है, किसी की घर के काम धंधे करने की है, किसी की दुकान पे जाके बिजनेस व्यापार करने की रूटीन है, किसी की पढ़ने पढ़ाने की है, किसी की कोर्ट में जाने की है, किसी की हॉस्पिटल में जाने की है, सब ने अपनी अपना एक सेट कर रखा है, इतने बजे उठना, इतने बजे फिर उठ करके फ्रेश होना, ब्रश करना, स्नान करना, आते ये वाला नाश्ता लेना, फिर टीवी देखना, अखबार देखना, न्यूज़ पढ़ना, फिर काम पे चले जाना, वहाँ जैसे तैसे अपने काम के घंटे पूरे करना, फिर वापस आना, आके चाय पीना, थोड़ा फ्रेश होना, फिर एक बार टीवी खोल के देखना, फिर शाम की चाय लेना, नाश्ता लेना, फिर रात को खाना लेना, और फिर एक बार और न्यूज देख करके सो जाना, ख़त्म। आज का जीवन यही इतना ही है, कल वाला भी इतना ही था, आज वाला भी ऐसा ही, आने वाले कल वाला भी ऐसा ही रहेगा। नो चेंज, ना रूटीन में चेंज। हाँ, संडे को एक दिन चेंज आता है, तो पहले उठ जाते थे 5-6 बजे, संडे को 8 बजे उठेंगे, इतना चेंज हो जाता है।
और दिनों हम थोड़ा टाइम के ऊपर सारे यज्ञ हवन व्यायाम आदि कर लेते थे, आज संडे है, आज आराम से करेंगे, उसमें थोड़ी लेजीनेस बढ़ जाती है, बस एक दिन अंतर आता है थोड़ा सा, फिर वो भी रूटीन में आ गया, हर संडे को ऐसे ही करेंगे, आज संडे है ना, मैंने देखा, बोले जी आज संडे, आज हवन नहीं करेंगे। अरे भले आदमी, संडे था तो आज तो ज़्यादा करना चाहिए। तो स्वामी जी बोलते हैं, संडे है तो खूब व्यायाम करो, खूब प्राणायाम करो और ज़्यादा करो। हम उल्टा करते हैं, आज संडे है, आज छुट्टी, सारे नियमों की छुट्टी। घर में कभी कोई ऐसी अनहोनी हो जाए तो सबसे पहले पूजा पाठ बंद। घर में किसी की मृत्यु हो गई तो आज से दिया जलाना बंद, आज से हवन करना बंद, आज से मंदिर जाना बंद। अब तो और ज़्यादा करना चाहिए था, घर में कष्ट आया है तो परमात्मा को और ज़्यादा याद करना चाहिए था, अभी तो ना पूरा बंद कर देते हैं। तो इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि भाई ये जीवन तो एक अपने आप में ही युद्ध का मैदान है, और बिना युद्ध के कभी कोई बुद्ध नहीं बनता है। बुद्ध बनने के लिए युद्ध करना पड़ता है, तो किसी को बाहर का करना पड़ता है लेकिन अंदर का सबको करना पड़ता है। तो ये बात केवल अर्जुन के बाहर के युद्ध की ही नहीं है, ये बात हम सबके जीवन के युद्ध की बात है, आंतरिक युद्ध की बात है ये। अब मन का हो ये तो मतलब बच्चे को एक दो साल की उम्र में ही ऐसे विद्यालय होने चाहिए, माने सब चीजों की ट्रेनिंग दी जाती है हमारे यहाँ, लेकिन मन की ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। यहाँ भगवान कृष्ण ने तो दे दी कि मन का तप कैसे करना है, मानस तप। मन भी तो एक इंद्रिय है ना, ये सारी इंद्रियां क्या हैं, हमारे साधन हैं। जैसे आप जिस मिक्सी से चटनी बनाते हैं, जूस बनाते हैं, जो जूसर है, मिक्सी, वो एक मशीन है ना, और वो एक साधन है हमारे पास, जो हमें खाने पीने की कुछ चीज़ें या मसाले या चटनी या जूस आदि कुछ बनाना है तो वो एक साधन है, वो देने में। तो वो साधन जब हम खरीद के लाते हैं तो उसके साथ एक बुकलेट भी आती है, और हम उसको बड़े ध्यान से पढ़ते हैं कि इसको कैसे यूज करना है, मिक्सी को कैसे फिक्स करना है, कैसे घुमाना है, कितने नंबर पे चलाना है। हमें मशीन हम लाते हैं, प्रेशर कुकर लाते हैं, कोई भी मशीन लाते हैं तो उसके साथ एक बुकलेट आती है, इसको ऐसे यूज करना है, और हम उसको पहले पढ़ते हैं। मोबाइल लाते हैं, उसके साथ उसकी निर्देश पत्रिका आती है कि इसको ऐसे ऐसे चलाना है। हर चीज़ को चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है, या तो उसके साथ एक बुकलेट दी जाती है, व्यक्ति उसको पढ़ के उसी के हिसाब से उसको चलाता है। अगर ये पता ना लगे कि प्रेशर कुकर में 3 सीटी आने के बाद कैसे उसको ढक्कन को खोलना है, तो वो खोलते ही सीधा यहाँ आके लगेगा, उसके मुंह पे जल जाएगा वो व्यक्ति। तो मालूम है कि पहले सारे प्रेशर को निकालना है। अगर आपको तुरंत भी खोलना है तो पहले उसको ऊपर उठा के उसके प्रेशर को पूरा बाहर निकालो, तब खोलना आप, और या फिर उसको रख दो, धीरे धीरे जब शांत हो जाए, सारा प्रेशर अंदर का निकल जाए, तब उसको खोलना। तो हम सब जगह उन मशीनों को चलाने में सावधान रहते हैं, पंखे को कैसे चलाना है, एसी को, टीवी को, सारी मशीनरी का हमें पता है, हारमोनियम कैसे बजाना है उसकी ट्रेनिंग दी जाती है, संगीत की ऐसे बजाना है, डॉक्टर को ऑपरेशन कैसे करना है उसकी ट्रेनिंग दी जाती है 5 साल तक, इंजीनियर को वो मकान कैसे बनाने हैं, पुल कैसे बनाना है उसकी ट्रेनिंग दी जाती है, सब चीज़ों की ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन हमें जो जन्म से जो मशीन मिली हैं, 10 इंद्रियां और 11 मन, 11 मशीन मिली हैं हमें अलग अलग, उन मशीनों को कैसे चलाना है उसकी ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। बस देखने लग गए, बस हम बोलने लग गए, जैसा भी आया वैसा बोलते चले गए बचपन से, जैसा भी आया वैसे देखते चले गए, जैसा भी आया वैसे सुनते चले गए। ये ट्रेनिंग तो किसी ने दी ही नहीं, ये ऋषियों ने तो दी। ऋषियों ने कहा, भद्रं कर्णे भी शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्ष भी यजत्रहा। आँखों से भद्र ही देखें, मतलब अभद्र ना देखें, ये ट्रेनिंग
ऋषियों ने दी बचपन से ही, लेकिन हमें तो 40-50 साल में कभी ये मंत्र हमारे सामने आ गया, और वो भी आया तो बस हमने ऐसे पढ़ लिया।